किया और परमेश्वर के लोगों में उसने अशांति फैला दी और इस तरह मनुष्य जाति में पाप बढ़ने लगा। भेजा गया स्वर्गदूत ने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। मरियम स्वर्गदूत को देख आश्चर्यचकित हो गई। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह ने कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मरियम ने ईश्वर की वाणी स्वीकार किया और कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। इसके पश्चात की समाचार मिलने पर वह उसका परित्याग करने का सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह विचार कर ही रहा था कि स्वर्गदूत स्वप्न में उसे यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनकी जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ मरियम को लेकर दाऊद के नगर बैतलहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वही थे और मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और कपड़ों में लपेट कर चरने में लिटा दिया। स्वर्गदूत ने कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में अपने मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह सुनकर चरवाहे आनंदित हो उठे। वे शीघ्र ही प्रभु के दर्शन को चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ और चरने में लेते हुए बालक को पाया। दूसरी ओर राजा हेरोद की आज्ञा के अनुसार तीन ज्योतिषी बालक को ढूंढते हुए उस स्थान पहुंचे जहां उन्होंने मरियम, यूसुफ और चरने में लेते हुए बालक को पाया। उन्होंने साक्षात प्रणाम किया और संदूक खोलकर सोना, लोहार, गंधरस भेंट चढ़ाई। इस प्रकार हमारे मुक्तिदाता हम मनुष्यों के बीच आए और
अंधकार को भूल कर हमें प्रेम, मेल मिलाप और शांति प्रदान किया।